नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेबी ड्रॉपिंग। बेबी ड्रॉपिंग क्या होती है, बेबी ड्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, आइए जानते हैं। सभी लोगों का ये प्रश्न होता है कि हमारा बच्चा पेल्विक में कब फिक्स होगा, हमारी डिलीवरी का समय नजदीक आने वाला है और हम सभी के मन में ये प्रश्न रहता है, स्पेशली उन महिलाओं के मन में जो पहली बार मां बनने जा रही है, उनके मन में हमेशा ये प्रश्न होता है कि मेरा बच्चा फिक्स कब होगा, क्योंकि जब वो फिक्स होगा तभी तो वो जल्दी से आएगा। तो आइए जानते हैं, बेबी ड्रॉपिंग का मतलब होता है बेबी का फिक्स होना, बेबी का श्रोणि में फिक्स होना या बेबी का पेल्विक में नीचे आना। जब बेबी ड्रॉपिंग नहीं होती है उससे पहले बच्चा नाभि की तरफ ऊपर की तरफ होता है, जब हमारा पेट एकदम बड़ा बड़ा सामने दिखाई देता है। लेकिन जब हमारा बच्चा फिक्स हो जाता है तो हमारे पेट का साइज भी थोड़ा चेंज हो जाता है, हमारा बच्चा ऊपर से नीचे आ जाता है, पेल्विक में नीचे आ जाता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, इसके कुछ लक्षण होते हैं, आइए जानते हैं। इसका पहला लक्षण है कि आपको थोड़ा हल्का हल्का महसूस होने लगेगा। जब आपका बच्चा पेल्विक में नीचे आ जाता है तो आपको थोड़ा रिलैक्स फील होने लगता है, आपको सांस लेने में जो पहले कठिनाई होती थी वो अब नहीं होती है, आप इजीली लंबी लंबी सांसें ले सकते हैं। उस दौरान आप ये महसूस करेंगी कि आपके बच्चे का मूवमेंट भी थोड़ा कम हो जाता है पहले की अपेक्षा। और ये स्पेशली होता कब है, जब आपकी डिलीवरी होने के 15 दिन पहले। ये जो सारे लक्षण है वो आपके बेबी होने के 15 दिन पहले के लक्षण है जो मैं आपको बता रही हूँ, और इसी को हम बेबी ड्रॉपिंग कहते हैं, बेबी का श्रोणि में फिक्स होना बोलते हैं। इसमें जो सेकंड सिम्टम्स है, आपको बेबी के मूवमेंट कम होने के साथ साथ आपको ऐसा भी महसूस होगा कि आपका बच्चा नीचे आ गया है, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आपने दोनों पैरों के बीच में कुछ अजीब सा महसूस होगा। कई महिलाओं को ऐसा लगता है कि वो जब चलती है तो उनको ऐसा लगता है कि दोनों पैरों के बीच में कुछ बॉल टाइप का आ गया है, क्योंकि आपके बच्चे का हेड डाउन हो गया है। इसी से आप समझ सकती हैं कि आपका बच्चा अब हेड डाउन हो गया है, आपका बच्चे का सिर नीचे आ गया है। और इसका जो नेक्स्ट सिम्टम है वो गर्भाशय पर एक प्रेशर डालने लगता है, इस दुनिया में आने के लिए, इस दुनिया को देखने के लिए, वो जल्दी से बाहर आने के लिए अपने खुद के भी एफर्ट्स लगा रहा होता है। आपको ऐसा लगता है ना कि 9 महीने आप कोशिश कर रही हैं, आप संघर्ष कर रही हैं, उतना ही संघर्ष आपका बच्चा भी कर रहा है, उसे भी उतनी ही एक्साइटमेंट है इस दुनिया में आने की जितना आपको है अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने की। वो गर्भाशय के मुख पर प्रेशर डालता है जिसके कारण जो म्यूकस होता है वो वहां से रिलीज होने लगता है और वो आपको शॉक की तरह दिखे, जो हल्की सी ब्लीडिंग के रूप में होता है। और जब आपको हल्की सी ब्लीडिंग दिखाई दे तो इसका मतलब यही है कि आपका बच्चा जल्द ही आने वाला है। अब आपको जल्दी जल्दी तैयारी कर लेनी है अपने बच्चे का वेलकम करने के लिए। किसी किसी महिलाओं में ये सफेद पानी के रूप में भी दिखता है, तो हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको ये इजिली समझ में आ जाता है कि अब आपका बेबी आने वाला है, वो आपके पेट का साइज देखकर ही बता देते हैं। कई बार तो महिलाओं की चाल देखकर ही हमारे बड़े बुजुर्ग बता देते हैं कि अब बच्चा जल्दी आने वाला है, और हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारे घर के फैमिली मेंबर हमें कभी कभी हमारे ऊपर हंसने भी लगते हैं, क्योंकि हमारी जो चलने की पोजीशन है वो थोड़ी चेंज हो जाती है क्योंकि हमारा बच्चा जो है वो नीचे आ चुका है। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो ये है कि आपको फाल्स पेन आना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको ये आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती हैं कि फाल्स पेन है क्या ट्रू पेन है, क्योंकि आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है या कभी कभी ये दर्द कमर से होते हुए पेट के निचले हिस्से में भी आ सकता है। तो जब आपको ये पेन थोड़ी देर के लिए आ रहा है उसके बाद ये पेन गायब हो जा रहा है तो इसका मतलब यही है कि आपका बच्चा फिक्स हो चुका है। जो नेक्स्ट सिम्टम है, आपको बाथरूम बार बार आने लगती है और आपका बाथरूम का प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके बच्चे का साइज बड़ा हो चुका है, आपका बच्चा फिक्स हो चुका है, जिस कारण से ब्लैडर पर प्रेशर पड़ने लगता है, और जब ब्लैडर पर बार बार प्रेशर आता है तो आपको बार बार यूरिन पास करने का मन करता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप बाथरूम जाती है आती है, कई बार तो हम परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं आता है कि बार बार बाथरूम क्यों आ रही है। तो उसका कारण यही है कि हमारा बच्चा फिक्स हो गया है और वो जल्द ही आने वाला। जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है आपका जो सर्विक्स है,
वो भी डायलेट होने लगता है। जो आपकी बच्चा रानी है उसके आसपास की जो मांसपेशियां है वो रिलैक्स होने लगती है, जिसके कारण आपके सर्विक्स का मुंह खुलने लगेगा। और जब सर्विक्स का मुंह खुलेगा, जब भी बच्चा आएगा, तो आपके सर्विक्स जो है वो डायलेट होने लग शुरू हो जाता है। और जब वो डायलेट पूरी तरीके से हो जाता है और 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है, तो वो आपकी डिलीवरी की कंडीशन हो गई। लेकिन 15 दिन पहले से ही आपके शरीर में वो सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। आपका शरीर बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए आपके शरीर को प्रिपेयर कर रहा होता है। कभी कभी आप महिलाओं को पीठ दर्द करने लगती है या हल्का पेट दर्द करने लगता है, तो ये सब होता है खिंचाव के कारण। जब आपके बच्चे का साइज बढ़ने लगता है तो आपके पेट पर खिंचाव भी बढ़ने लगता है, और उस खिंचाव के कारण ही आपको दर्द होता है। तो आपको यदि हल्का फुल्का दर्द हो रहा है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपको दर्द पीठ से होते हुए, आपकी कमर से होते हुए नीचे पेट तक आ रहा है और नीचे पैरों तक भी उतर जाता है, और यदि आपको बहुत ज्यादा सूजन है और दर्द बहुत ज्यादा आ रहे हैं, या आपका वाटर बैग लीक हो गया है, तो उस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। ये जो पिछले मैंने सारे सिम्टम्स बताए वो आपको डिलीवरी के 15 दिन पहले से शुरू हो जाते हैं। तो यदि इस विषय पर आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो मुझे जरूर लिखें, और मेरे ये मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड वीडियोस जरूर देखते रहें। धन्यवाद।